हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, क्या हाल है आप सभी लोगों के? आई होप आप समझते हो। वेल गाइस, यहां पर बैटल ग्राउंड्स ऑफ इंडिया एंड गाइस यहां पर बैटल ग्राउंड्स ऑफ इंडिया में गाइस यहां पर जो है एक नया नोटिस आ चुका है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को यहां पर मन पे या फिर चेहरे पे खुशी ला सकता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले उस नोटिस को देख लेते हैं यहां पर क्या है। तो गाइस, ये नोटिस है यहां पर फेयर गेम प्ले इज आवर प्रायोरिटी, जो कि यहां पर चीटर्स के बारे में। एंड यहां पर आप लोग देख सकते हो अ पॉजिटिव अपडेट ऑन चीटर्स। तो गाइस, यहां पर आप लोगों को पता है कि यार बैटल ग्राउंड्स ऑफ इंडिया में गाइस यहां पर सेप्टेम्बर मंथ से ही बहुत ही सारे चीटर्स होने लगे थे। एंड यहाँ पर बीजीएमआई ने ये कहा था कि हम जो है सेप्टेम्बर मंथ के अंडर तक यहाँ पर जो है सारे चीटर्स को बैन कर देंगे। लेकिन यार सेप्टेम्बर से यहाँ पर जो है नवंबर आ चुका है, लेकिन हैकर्स जो है बहुत ही ज्यादा बैन हो रहे हैं। आप लोग बैन लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो, जो कि 1 अक्टूबर से यहाँ पर नवंबर 10 तक है। एंड करीब करीब मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 मिलियन अकाउंट जो है परमानेंटली बैन हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 10 मिलियन लोग इसको जो है खेलते हैं, एंड उसमें से 3 मिलियन या फिर 5 मिलियन लोग जो है यहाँ पर बैन हो चुके हैं। एंड जो टेम्पररी अकाउंट बैन है वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो है 7 लाख अकाउंट जो है जो कि टेम्पररी बैन हो सकते हैं, यहाँ पर मतलब बैन हुए हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, ये चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर चीट करते हो या फिर आप लोग उसको चीट करते हुए पाए गए कोई भी हैक लगाते हुए, तो आप लोगों को परमानेंट जो है अकाउंट बैन हो जाएगा। एकदम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ अलग ही मतलब दिनों में हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैनुअली ये जो है देखते हैं एंड प्रमोट करते हैं, यानी कि ये जो है देखते हैं जो लोग हैक्स को प्रमोट करते हैं ना यहाँ पर हाई रैंक्स में, जो कि किल फील्ड वगैरह आप लोग देखते हो या फिर यार मतलब रैंकिंग में देखते हो, जो कि टॉप लोग होते हैं, वो टेलीग्राम वगैरह की अपनी लिंक वगैरह डालते हैं, तो उन लोगों को जो है सबसे पहले बैन करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये जो है ब्लॉक कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को, जो कि यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर हैक्स वगैरह, यानी कि इलीगल प्रोग्राम्स को यहाँ पर जो है फैला रहे हैं। एंड ये गाइस यहाँ पर जो है सारे चीज यहाँ पर आप लोगों पर लागू होती है। यहाँ पर इन लोगों ने कहा है कि आप लोगों को कुछ चीजों का यहाँ पर जो है ध्यान देना है, जो कि आप लोग गलती से भी ना करें, वरना आप लोगों का अकाउंट भी बैन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि आप लोगों को हैक नहीं लगाना है, आप लोगों का अकाउंट एकदम से बैन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में हो जाए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को किसी भी को नहीं देनी है, चाहे वो कोई भी हो। एंड आप लोगों से अगर कोई आपके मतलब गेम की आईडी पासवर्ड मांगता है तो उसको गलती से भी मत देना, हो सकता है वो आपकी आईडी पर हैक टेस्ट कर ले। एंड यहाँ पर लिखा है कि आप लोग रिपोर्ट करते रहिए एंड यहाँ पर जो है टाइम देते रहिए, क्योंकि यार बीजीएमआई यार आप लोगों को पता है इतना बड़ा गेम है, इंडिया में बहुत सारी जनता इसको खेलती है, तो ऑब्वियसली जो है बड़ा गेम है एंड इसके जो सर्वर्स वगैरह हैं वो इतने बड़े नहीं है, यानी कि मेंबर्स वगैरह जो कि स्टाफ में होते हैं, तो उन लोगों को यार थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो है अभी इसमें बेटर होने वाली है। बाकी इन लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि अगर आप लोगों ने चाहे गेम में यूसी स्पेंड करी हो या फिर आप लोगों ने यहाँ पर हैक लगाया है कभी पास्ट में, या फिर आप ये आप लोग लगा रहे हो, लगाना छोड़ दिया है, तो भी आप लोगों का जो है अकाउंट बैन हो जाएगा 10 साल के लिए। यहाँ पर लिखा है परमानेंट बैन हो जाएगा। लॉस्टली यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा है कि बैटल ग्राउंड्स ऑफ इंडिया को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शाउट आउट जाता है आप लोगों को, जिन्होंने आप लोगों को इनको सपोर्ट किया, एंड ये थैंक बोल रहे हैं आप लोगों को, यानी कि मुझे भी, जिससे कि आप लोगों ने जो है चीटर्स को रिपोर्ट किया। वेल यार, हमने हर एक इंसान ने यहाँ पर जो है रिपोर्ट किया है चीटर को, जो कि बीजीएमआई खेलता है। मैंने तो चैनल्स को भी कुछ रिपोर्ट किया था, मॉडरेटर्स को, बीजीएमआई के। खैर ये सब तो बात ही है, मेरे ख्याल से यार बीजीएमआई में हैकर जो है कम होने वाले हैं। वेल गाइस, यहाँ पर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, यहाँ पर जो है 1.7 अपडेट में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो कि आप लोगों ने मेरे ख्याल से आज देख ली होंगी। तो यहाँ पर बीजीएमआई जो है ऑफिशियली कोलैब करने वाला है लीग ऑफ लेजेंड के साथ में। एंड गाइस, यहाँ पर ये कोलैब जो है बहुत ही बड़ा होने वाला है, यानी कि यहाँ पर ये जो है स्पेशल मोड आने वाला है एंड इसकी जो है कन्फर्म रिलीज डेट यहाँ पर आ चुकी है। एंड गाइस, उसकी जो है कन्फर्म रिलीज डेट यहाँ पर जो है 19 नवंबर है। 19 नवंबर को हमारा जो है 1.7 का अपडेट आने वाला है एंड उसमें जो है लीग ऑफ लेजेंड्स का जो है यहाँ पर मोड आने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पर बात कर ले तो मिरर वर्ल्ड मोड इसमें जो है आने वाला है। मिरर वर्ल्ड मोड की आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पर स्पेशल मतलब जो कि अचीवमेंट्स वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। एंड आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर जो है मिरर मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को कुछ मतलब मिरर वर्ल्ड में क्रेट्स खोलने पड़ेंगे जब यहाँ पर आप लोग मिरर वर्ल्ड में एंटर करोगे। एंड गाइस, इसका मैं यार गेम प्ले आप लोगों को तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है टेंसेंट वगैरह स्ट्राइक दे रहा है। खैर गाइस, हमारी ये जो मैप है यानी कि ये मोड है, ये तीनों मतलब मैप्स के लिए आने वाला है, जो कि होगा इरांगल, सैनोग एंड यहाँ पर लिविक, जो है तीनों में आप लोग खेल सकते हो। मेरे को पता नहीं इसमें जो यहाँ पर जो है मतलब ये जो मिरर वर्ल्ड है ये आएगा या फिर नहीं आएगा इन गेम में, बाकी यार देखो जब अपडेट आएगा तभी पता चल पाएगा। बाकी ये यहाँ पर 1.7 में कुछ ऐसे यहाँ पर फीचर्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हो, जैसे ही आप लोग किसी एनिमी को नॉक करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मैंने इसको नॉक किया एंड उसके बाद मैं जो है इसको उठा सकता हूँ, यानी यहाँ पर ये जो है पिगी पैक फीचर है एंड आप इसको
जो है पुल डाउन भी कर सकते हो। तो मतलब यार देखा जाए तो ये काफी एक्साइटिंग फीचर है एंड बहुत ही ज्यादा ही फनी फीचर है एंड इसमें आप लोग भाग नहीं सकते। पहले आप देख सकते हो यहाँ पर विक्टर चाचा कुछ इस तरह के लग रहे हैं एंड इसको जो है ना थोड़ा स्पॉटलाइट में लाते हैं, थोड़ी सनलाइट में देखते हैं विक्टर चाचा को कैसे लगते हैं। तो मतलब यार थोड़ा फनी सा भी लग रहा है यार विक्टर का चेहरा देखकर, आप लोग देख ही सकते हो। इसको जो है पुल डाउन कर देते हैं। तो गाइस इसमें जो है मेरे ख्याल से एनिमी की हेल्थ वगैरह जाती है जब आप इसको उठा लेते हो, इसकी हेल्थ पता नहीं क्यों नहीं जा रही। मेरे ख्याल से पहला नॉक है इस वजह से कम जा रही होगी एंड इसका एफपीवी थोड़ा सा ग्लिच्ड है, यानी कि आप लोग देख नहीं सकते आप लोगों ने किसी बंदे को उठाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो है चीजें आगे आने वाले अपडेट्स में या फिर 1.7 का जब अपडेट आ जाएगा 19th को, तो मेरे ख्याल से चीजें तब तक सॉल्व हो जाएंगी। तो बाकी आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस तरह का है यहाँ पर जो है ये फीचर है एंड आप लोग कैरी भी कर सकते हो, यहाँ पर जो है आप पुल भी कर सकते हो। तो इसको हम जो है फिनिश कर देते हैं यार, उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से इसको जो है फिनिश कर देते हैं एंड अपने आप ही हो गया यार ये तो। बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है एक नया कैरेक्टर आने वाला है गेम के अंदर जो कि इसका नाम है एना एंड आप इसको जो है क्लोज लुक देख सकते हो। इसका जो है फेस रिवील वगैरह भी होने वाला है जब यहाँ पर ये जो स्नाइपर वाले भाई साहब हैं इस पर जूम करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का मेरे ख्याल से इसका जो है आउटफिट रहने वाला है, यहाँ पर हैट वगैरह एंड इसका जो है आउटफिट कुछ इस तरह का रहेगा। एंड गाइस ये जो है फ्री कैरेक्टर रहने वाला है, यानी कि आप लोग इसको यूज कर सकते हो सकता है इसमें जो है कैरेक्टर वाउचर का इवेंट आए एंड उसके बाद आप इसको यूज कर पाओ। वैसे तो सबके लिए ही फ्री रहने वाला है। वेल आप देख सकते हो यहाँ पर जो है इसने इसकी पेटी बना दी है एंड अगर आप लोगों को इसका फेस देखो तो कुछ इस तरह का रहने वाला है एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है इसी का यही परमानेंट आउटफिट रहने वाला है जो कि डिफॉल्ट आउटफिट वगैरह होता है। बाकी यार देखो आने वाले अपडेट्स में पता चलेगा। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ और भी इसकी जो है डिटेल्स वगैरह अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो मेरे ख्याल से जो है 16 नवंबर को आ जाएगा एंड जहां तक है ये जो है लेट हो सकता है। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है एक ग्लिच है, हाथ में दिखा रखी है इसके M16 अगर आप लोग ध्यान से देखो एंड नीचे इसने हाथ में ले रखी है M24। तो मतलब काफी यार अतरंगी जो है गलती करी है यहाँ पर पबजी मोबाइल ने या फिर VGMI ने, पता नहीं भाई मतलब ऐसी गलती यार इतनी बड़ी कंपनीज या फिर इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री कैसे कर सकती है। तो मतलब गाइस आप लोगों को ये जो कैरेक्टर है फ्री में मिलने वाला है एंड यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो इसका क्लोज लुक एंड उसके बाद आप लोगों को कुछ यहाँ पर स्पेशल रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलने वाले हैं फ्री, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बाकी गाइस नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लें कुछ टियर रिवॉर्ड्स की जो कि हमारे C1S3 के होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर जो है C1S3 का कवर है एंड उसके बाद यहाँ पर जो है C1S3 का सेट है एंड गाइस यहाँ पर मतलब बहुत ही अजीब सा ही सेट है एंड यहाँ पर मतलब यार DPS की शॉटगन की स्किन है एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो यह है C1S3 का पैराशूट एंड C1S3 का एज डोमिनेटर का अवतार एंड उसके बाद यहाँ पर जो है कॉन्करर फ्रेम है जो कि है C1S3 का। तो आप लोग कॉन्करर पुश करने वाले हो या फिर नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है इस सीजन में। बाकी गाइस यहाँ पर जो है वैनगार्ड आउटफिट है जो कि हमारा नया आने वाला है आउटफिट M5 रॉयल पास में। बाकी आप लोग देख सकते हो ये जो है M5 रॉयल पास का ऑफिशियल इमोट है जो कि आप लोगों को फ्री RPO में मिलने वाला है। तो मतलब काफी अतरंगी सा इमोट है एंड यार विक्टर में यार ये पहले मतलब इमोट्स कैसे आ जाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता यार, मतलब विक्टर में ही सब लोग इमोट्स देते हैं यार, मतलब विक्टर यार बहुत ही गजब का कैरेक्टर है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है हमारे M5 रॉयल पास का मैक्स आउटफिट जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का होने वाला है। तो मतलब यार काफी गजब लग रहा है देखने में। तो बाकी यहाँ पर और भी सारी चीजें हैं जैसे कि लेथल कॉर्पोरेटर कवर एंड यहाँ पर जो है लेथल कॉर्पोरेटर सेट है। तो यहाँ पर इन लोगों के टेक्सचर्स वगैरह ऐड नहीं हुए हैं अभी तक मेरे ख्याल से, अभी जो है 16 नवंबर तक आप जो लोग जो है वेट कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर जो है हमारी एक नई 3-व्हीलर की भी यहाँ पर जो है स्किन आ सकती है 3-सीटर की RP में एंड यहाँ पर जो है प्लेन की स्किन भी लेने वाली है। तो मतलब देखा जाए तो काफी गजब की स्किन होने वाली है मेरे ख्याल से तो। एंड यहाँ पर इसका जो है अनप्लाइडिंग नाम है एंड यहाँ पर जो है MK47 की स्किन भी रहने वाली है। यहाँ पर एम्स मेरे ख्याल से ये जो है M6 के रॉयल पास में रहने वाली है एंड यहाँ पर जो है हैक्सटेक क्रिस्टल यहाँ पर जो है ब्राइजन है। यहाँ पर जो है हैक्सटेक गाइस यहाँ पर मतलब आप लोगों को पता होगा लीग ऑफ लेजेंड्स में होता है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बताऊं 1.7 का हम लोग गेम प्ले इसलिए यहाँ पर नहीं पब्लिश कर सकते क्योंकि यार यहाँ पर जो है पबजी मोबाइल यानी कि Tencent यहाँ पर जो है स्ट्राइक दे रहा है अभी सभी लोगों को जो कि यहाँ पर ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। बाकी यार यहाँ पर इसके जो लीक्स वगैरह हैं वो बहुत ही जल्दी आएंगे। एंड गाइस इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है यहाँ पर मैड तमीजा को, तो आप उन लोगों को जानते होंगे। बाकी यार हम तो उनको क्या ही क्रेडिट देंगे। तो बाकी आप लोग देख ही सकते हो यार यहाँ पर जो मतलब जितने भी आउटफिट्स हैं यहाँ पर फ्रोजन वाले आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डिज्नी से भी कोलैब हो सकते हैं जो कि डिज्नी में अगर आप लोगों ने सुना होगा एक फ्रोजन यहाँ पर जो कि एनिमे है तो उससे यहाँ पर जो है इन लोगों को कोलैब होने वाला है।
एंड यहाँ पर जो है एप्पल बाइट ग्रेनेड है, तो पता नहीं यार क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रोजा की स्किन बनने वाली है, मेरे ख्याल से ये जो है क्रेट ओपनिंग वाली आएगी, येटी वाली। एंड अगर आप लोगों को याद होगा येटी एक मतलब वो होता है स्नो वाला। एंड गाइज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक अलग एनिमेशन भी आने वाला है जो कि होगा स्नो बोर्ड का, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो ये जो है लीग ऑफ लेजेंड के साथ में आएगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।